बैकग्राउंड से स्टार्ट करते कि कहाँ से आए कैसे हुआ लाइक गिव मी शॉर्ट एक जर्नी बता दो लाइफ की कि कहाँ से स्टार्ट किया था एक ठीक है मतलब, कौन से शहर से आते हो कौन हाँ, से तो, हाँ यूपी के बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है बुलंदशहर आपको पता होगा कई टाइम कई सालों तक नंबर वन रहा है वर्ल्ड वाइड क्रिमिनल में मैं ठीक है क्या बात रहे हो तो हमारा मतलब बचपन उसी में गुजरा है कि भैया रात को फायरिंग हो गई दस बजे गोलियां चल रही हैं बराबर मैंने अपने सामने से गोलियां चलती हुई देखी है कि उधर से लोग चला रहे हैं हम छत से देख रहे हैं इधर से लोग चला रहे हैं हमने ऐसा देखा है जब मैं सात या आठ साल का था कि हमारे घर की छत से कोई झाँक रहा है और हमने चला रहे वो बंदा झाँक रहा है मतलब हमारे गाँव में टॉप मोस्ट मतलब बदमाश रहे हैं एक दो का नाम तो है पॉडकास्ट में मैं क्या लूँ लेकिन ऐसे हैं जिनको जो पुरानी सी थी वो भी डरती थी उस लेवल के वो हमारे गांव के बदमाश रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये बात बहुत सारे लोगों को पता है कि हमने कितना गरीबी में जीवन बिताया है बट हमारा पिस्टल का लाइसेंस बहुत जल्दी बन गया था भले हमारा जीवन कैसा भी था तो मतलब ये चीज़ कितनी आप समझो कि वैल्यू रखती होगी कि आप रोटी और ये बचा के पहले पिस्टल का लाइसेंस बनवाते हो <laughs> उस गांव से हम थे कि रात को डर लगता था कि आज अब कल जब सुबह जगेंगे तो किसके घर में ये खबर मिलेंगी कि आज उसके यहाँ लूटपाट हो गई या उसके यहाँ ये हो गया मतलब तो बहुत ऐसा था तो मैंने तो प्राइमरी से ही एजुकेशन ली पहली क्लास से पाँचवीं क्लास तक और अब मैं जैसा समझ पाता हूँ मेरा गोल तभी बड़े थे एम्बिशंस बहुत थे मुझे ऑटो में चलते हुए सर मते थे अच्छा नहीं लगता था जबकि मुझे ये नहीं पता था कि किस में चल के नहीं आएगी सर बट ये पता था हाँ कि ऑटो में चलते हुए तो नहीं अपनी पर्सनल बाइक एटलीस्ट तो वो मुझे लगता था और मैंने जैसे प्राइमरी में पढ़ाया तो हमारे स्कूल की कोई बाउंड्री नहीं थी उस टाइम तो कुछ ऐसा नहीं था टीचर आज डिसाइड कर देता था कि कि अब पेपर होगा क्योंकि उसने अगर ये बोल दिया कि कल होगा तो कल कोई नहीं आएगा तो उस तरीके से पेपर होते थे तो मुझे याद है कि मुझे उस टाइम भी एंजाइटी हो जाती थी पेपर की स्ट्रेस की जबकि ऐसा कोई नहीं था कि थर्ड क्लास में क्या टॉप करना आप प्राइमरी में पढ़ रहे हो कोई पूछने वाला नहीं है आपको लेकिन मुझे उस टाइम भी एंगजाइटी होती थी नहीं अच्छा करना है तो जो मैं एक बात कहता हूँ कि अच्छा करना एक आदत है जो हमारे अंदर बचपन से ही हमें डालनी पड़ती है और मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी एज पे जाके कहोगे यार मैं ना ट्वेल्थ के बाद एक अच्छा बिजनेस करूंगा अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो मतलब अच्छा होना एक आदत <coughs> मतलब आप पढ़ाई में भी अच्छे हो गए आप किसी के पीछे पड़ गए तो वहां भी आप अच्छा करके उसको पालोगे मतलब अच्छा करना एक जस्ट ए हैबिट जैसे जीतना एक आदत है कि आप घर की छत पे भी खेल रहे हो तो मुझे जीतना है भाई मैं कैरम खेल रहा हूँ मुझे जीतना है मुझे कुछ भी करके जीतना है

एक बंदा अगर कुछ अच्छा कर जाएगा तो सबका हो जाएगा ठीक है तो वहाँ से फिर हमने शुरू किया तो घर वाले ने वहाँ पे ले दिया तो मुझे ए आई टेपल्ली में बहुत अच्छी रैंक आई और हम तृष्णापल्ली गए मेरा कॉलेज में नोला जी भाई ख़त्म है यहाँ रहेगा तो <laughs> उन्होंने उसी वक्त कुछ डिसीजन मतलब कुछ नहीं सोचा और सीधे डिसीजन लिया और मुझे उठाया और वापस ले आए बस एक ही साथ के कि यार मैं अभी गाँव नहीं जाऊँगा जब तक कोई तो मैं दूसरा कॉलेज नहीं मिल जाता तो फिर ऐसे ऐसे करके उसमें भी फिर मुझे सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो नहीं सकती थी थर्ड राउंड काउंसलिंग में बायोटेक्नोलॉजी मिला था रायपुर में एक कॉलेज है एन फिर उसके बाद आ, या शायद केमिकल इंजीनियरिंग मिली थी लेकिन ये था उस टाइम बहुत चढ़ा हुआ था कि कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए फिर मैंने एक कॉलेज था ए आई ट्रप्पली से ही था उस वक्त और गवर्नमेंट कॉलेज था फिर मैंने वहाँ से कॉलेज में, में मेरा प्लेसमेंट होने की बारी थी तो प्लेसमेंट हो गया मेरा टी में मुझे जॉब मिली तेईस हज़ार रुपये सैलरी थी पर मंथ तो मैं पूरी रात सोया नहीं सेलिब्रेशन किया कि भाई बहुत अच्छा लगता है वहाँ भी मैंने ट्यूशन पढ़ाए कॉलेज में भी चार साल जब मैं था तो ट्यूशन पढ़ा था तो कॉलेज जब खत्म हुआ तो फिर उसके बाद गांव आ गए क्योंकि उस टाइम रजिस्टन था ही तो कंपनियाँ आठ नौ महीने बाद ज्वाइनिंग दे रही थी तो मैं वापस गाँव आ गया था कॉलेज से तो वहाँ पर फिर मेरे को फील हुआ कि जब आप इंजीनियरिंग करके गाँव आ जाते लोग मानते नहीं तो आपका प्लेसमेंट हो गया है तो वो एक मोमेंट बड़ा ख़राब था तब मेरे फादर ने कहा कि यार अब ऐसा है टाइम है आपके पास तो आप आई की तैयारी कर लो वहाँ से शुरू हुआ कि आई की, की तैयारी कर लेते हैं मुझे लगा चलो ठीक है ये भी क्योंकि घर पर मिर्सी भी नहीं रहा जा रहा था कॉलेज में और फिर कुछ ऐसे दोस्त थे जिनके बिना तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था तो मैंने कहा उनको भी बुला लेंगे साथ में तैयारी कर लेंगे तो वो भी आए नहीं कम वक्त धोखा दे गए तो हम पिताजी के साथ फिर से आए अपना सामान वामान लेके और सब कुछ तय कर गए थे हजार रुपये भी दे गए प्रॉपर्टी डीलर वाले को और फिर जब सामान लेके जिस दिन आए और पता चला कि वो दोस्त भी नहीं आ रहे हैं तो हमने यहाँ तो मूड तुरंत बदल गया क्योंकि हम अकेले फिर भी नहीं रह सकते थे चार साल कॉलेज करने के बाद भी कॉलेज में भाई हमारे साथ रहा था उसका कॉलेज भी पास में ही था तो वहाँ पे हमने फादर को कहा कि यार किसी और दिन आएंगे अभी मन नहीं है हम फिर एक बार सामान लौटाया है उनका और ये तो कोई बहुत मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं दो तो हजार बारह की बात है फिर आ गए फिर मैंने उनको आइडिया दिया मैंने कहा ऐसा करते हैं सब लोग चलते हैं और आप लोग ग्रेटर नोएडा में रहना दिल्ली के पास ही है एनसीआर में और मैं दिल्ली में तैयारी करूंगा तो वहां से मैं हर फ्राइडे आ जाया करूंगा तो दो हजार में मेरी दिल्ली की शुरुआत तो हुई मैं दिल्ली आ गया फिर हमारी सरकारी नौकरी लग गई एक इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गए हम मुंबई में मेरी पोस्टिंग थी चर्च गेट पे तो मुझे लगा चलो अब कुछ नहीं हुआ तो एक्टर तो बन ही जाएंगे वरना ब्रेक ले लेंगे मैं मुंबई आ गया ये बात है 2016 हजार दिसंबर के okay. मार्च में पता चला रहा है, की रही है लेकिन मैं कॉन्फिडेंट रहता था ऐसे नहीं कि मैं टेंशन में हूं स्ट्रेस हूँ मैं मजे पूरे लेता था जिंदगी के खुश रहता था बस पापा का फोन आया तो थ्रीट किया थोड़ा सा थोड़ा ऐसे दिखा दिया कि भाई <laughs> सीरियस है बट ऐसे सीरियस रहा नहीं बिल्कुल अब मैं जब मम्मी को देखने आया वहां पे तब मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी खतरनाक सी बात है उनको फैसे पहले से पूरा फेस टेढ़ा हो गया था तब भी मैंने उनको ये कहा था मुझे याद है मार्च 2017 की बात है कि आप टेंशन मत लो भाई बड़ा करेगा जीवन में कुछ मतलब okay. कोई होप नहीं है सब जगह मैं फ्लॉप हो ही रहा हूँ कोचिंग बंद कर चुका हूँ सरकारी नौकरी में फिट बैठा नहीं हूँ लेकिन भाई बड़ा करेगा कैसे करेगा ये किसी को नहीं भाई को खुद नहीं पता कोई प्लान नहीं और भाई ने अपना रेजिग्नेशन लेटर डाल के यहाँ से गया था कि ये रीजिए आपकी सरकारी नौकरी किसी को दे देना रौले में नहीं करनी ही नहीं है फिर क्या करना है अब कुछ पता नहीं है क्या करना है मैं गया घर पे अब घर रहने लगा तो घर पे और स्ट्रेस थोड़ा सा माता जी जा रही हैं दिखाने उनको भी देसी ट्रीटमेंट चल रहा है पिताजी उस टेंशन में अलग से डायबिटीज पाल रही मुझे भी बड़ा दुख लगने लगा और मुझे लगता है कि बच्चों माँ बाप आज की डेट में बीमार इसीलिए हैं क्योंकि बच्चे उस उम्र पर काबिल नहीं बन पाते जब उनका जरूरी है काबिल बनना क्योंकि वो सारी जिंदगी तो इसी में निकाल देते हैं कि बच्चों का भविष्य बने अब फिर जब उनका बुढ़ापा होता है कि यार माँ इतने दिनों से एक ही साड़ी में पिताजी के भी कुछ सपने थे जो वो पूरे करना चाहते थे तो ये सब चीजें मैं उस वक्त भी सोचता था इतना ईमानदार आदमी था मैं ठीक है कि मुझे इनके भी सपने पूरे करने हैं खाली यही जिंदगी नहीं है कि आपने खुद मजे ले लिए ये वो क्योंकि इन्होंने अपने ख्वाहिशों को तो मार के आपको यहाँ तक पहुँचा पी के आपको दे दिए हाँ मतलब सब कुछ वही मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स अपनी इच्छाएं मार के हमारे टाइम पे तो यही था कि उतने अच्छे नहीं होते थे तो अपनी इच्छाएँ मार के ही वो यहाँ तक गए पहुँचे हमें पहुँचाया यहाँ तक अब क्या हुआ इसके बाद कहानी हो गई तो मैंने सोचा कि यार अब हम फिर से शुरू करते हैं दोबारा से पढ़ाना तो हम कोचिंगों में गए तो मैं पहले चौदह सौ पचास रुपये घंटे पढ़ा चुका था ऑलरेडी लेकिन जब मैं दोबारा गया तो कोई मुझे छः सौ रुपये घंटे देने को तैयार नहीं ऐसे तैसे मैंने एक कोचिंग में लिया सहारा कि भाई एंट्री लगवा वो भी सिपारत से लगी हमारी पढ़ाना शुरू कर दिल्ली में ही और वो भी पैसे कैसे देते थे ऐसे नॉर्मली कभी हजार पकड़ा दिए पाँच हजार पकड़ा दिए मतलब अभी भी वैसे ही चल रहा है वही कौनसेप्ट वर्ड होता है एक हैंड टू माउथ वाली स्थिति चल रही है थोड़े पैसे आ रहे हैं खर्चा पानी चल रहा है बस तो खर्चा पानी चलने की बात थी फिर उसके बाद फादर भी यही सोच रहे थे कि कुछ करेगा उनको भी उनको ये लगता था लेकिन कि तुम्हें जो ठीक लग रहा है करो उसको अच्छे तरीके से करो मतलब उन्होंने इस बात पर बहुत मतलब नहीं दिखाया कि आपने नौकरी छोड़ दी है वो उसके पीछे दूसरी वजह यह भी थी कि हम उससे अगले साल भी सेलेक्ट थे हमारे पास एक सरकारी नौकरी भी और थी और थी ओके हाँ ऑडिट ऑफिसर की वो हमारे पास और थी तो इसलिए वो भी उतने ज्यादा वो नहीं थे कि भाई कुछ नहीं होगा तो फिर ये कर लेगा अभी ट्राई कर लेने दो इस बीच हमने दो हज़ार में एक किताब भी लिखी थी बहुत सपनों के साथ बड़े सपनों के साथ यार हमारी किताब चलेगी हम बहुत पैसा कमाएंगे ये होगा वो होगा जो कि वो फ्लॉप, फ्लॉप रही फ्लॉप थी फ्लॉप रही थी वो भी दो हजार तक नहीं चली दो कॉपी छप भाई प्ले विद एडवांसमेंस की किताब थी अब जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो फिर हमें आइडिया आया कि कैसे करें घर पे रह के तो बात नहीं बनेगी तो फिर हमने अपना मोबाइल फ़ोन बेच के उस टाइम पैसे उतने नहीं बन पा रहे थे एक रूम ले लिया इंटरकनेक्टिंग रूम था बहुत गंदा सा वहाँ बाहर ये था कि बाहर हम पढ़ाएंगे अंदर सो लेंगे मैं और मेरा भाई सुबह जग के खुद ही स्टूल लगाते थे एक बोर्ड टांग दिया था और वहाँ हमने जो पुराने बच्चे हमसे कनेक्टेड थे उनको हमने मैसेज कर दिया कि आप आ जाओ भाई हम पढ़ाते हैं लेकिन वही है कि बच्चे भी फिर फीस देना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है एक ट्रस्ट भी होता है टीचर पर हम पे फिर भी था थोड़ा थोड़ा लोगों ने बच्चों ने फीस दी तो वहाँ से हमारा इतना हो गया कि रोटी पानी ठीक चलने लगी सुपर थर्टी के नाम से हमने बैच बनाया था तो पंद्रह बीस बच्चे उसमें आते थे बीस पच्चीस फटा हुआ सा एक सोफा था अभी फोटो भी है मेरे पास तो उसकी बैच की तो बच्चे वहीं बैठ जाते थे उसी सोफे पे और हम भी और हमारा वो प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था ठीक है लेकिन अब हमने ध्यान देना कम कर दिया था हम ये समझ गए थे कि जीवन इसके परे है और भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी अगर सिर्फ इस चीज़ से जीवन चल नहीं पाएगा इतना हमें समझ आ गया था वहीं पे एक लड़के ने हमें कहा कि यार आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो आपके पास जो ट्रेक्स हैं एक टीचर का नाम बताया देखो वो फेसबुक पे वीडियो डालता बीस बीस हजार व्यू आते हैं बीस हजार लोग देख रहे हैं तो बहुत बहुत बड़, बड़ी, बड़ी बात थी दो हजार सत्रह में तो उसने कहा कि मैं आपकी एक वीडियो बनाता हूँ ऐसे ऐसे करके जुलाई आ गया था अगस्त सितम्बर की ये बात है तो उसने का एक वीडियो बनाता हूँ आपकी डालूंगा नहीं कहीं क्योंकि हमें भी शर्म आती थी यार कि अब लाइफ में कुछ करानी जॉब छोड़ा है रिश्तेदार क्या कहेंगे अब वीडियो डालने लग गए और यूट्यूब की उतनी नॉलेज नहीं थी मैं तो सब्सक्राइबर और व्यू भी नहीं जानता था क्या होता है ना ये बात पता थी कि यूट्यूब से पैसे भी आते हैं उसने वो वीडियो बनाई और वो वीडियो उसने अपने चैनल पर डाल दी सात सब्सक्राइबर थे छः दिन के अंदर उसके एक लाख सब्सक्राइबर हो गए और वन मिलियन व्यूज़ वीडियो पर लोगों ने इतना का। आग की फैली। नहीं नहीं YouTube, पे आग की तरह वो वीडियो फैली कि भाई मैंने क्या पढ़ा दिया मैंने नया पढ़ाया था यूनिक पढ़ाया था कहीं नहीं था उससे पहले किसी किताब में नहीं था लेकिन वो तो मैं पिछले साल से ही पढ़ाया था ना लोग नहीं समझ रहे थे ठीक है अब तो वो टीचर भी जो हमसे हाथ मिलाने से कतराते थे, थे मतलब कई टीचर ने तो मेरे को ऐसे कह दिया था मुखर्जी नगर में बड़ा मतलब ये सब चलता था वहाँ भी वही वाला कल्चर चलता है कौन सा कहती है वो कंगना जी नेपोटिज्म वाला कि जो पहले से फेमस है नए लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी तो वो लोग हम जैसे कभी हाथ बढ़ा दिया तो यार नहीं नहीं हाथ मत मिला करो अभी थोड़ा सा बाद में ऐसे लोग बोलते थे तो वो टीचर भी हमें फोन करे अरे भाई आपका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा बड़ा वायरल हो रहा इतना वायरल हो गया था वीडियो हमें भी मज़ा आ रहा था अब वो जो हमारा सुपर थर्टी फुल नहीं हो रहा था 15 वो सुपर सिक्सटी बन गया लोग ये स्थिति थी कि आगे बोलते थे कि हमारे पैसे रख लो नेक्स्ट सुपर सिक्सटी में हमें एडमिशन दे देना नया पढ़ाते हो फिर तो हमने बैक टू ये नहीं था कि हमने एक ही वीडियो डाल के खाली वायरल हो गए फिर तो जब हमें मजा आने लगा तो उस बंदे ने और तीन बंद के रोज हमारे से चैनल पर डलवाई फिर हमने वहाँ अनाउंस कर दिया कि मैं पूरी गणित फ्री पढ़ाऊंगा और अपना एक चैनल बना दिया अभिनाय पूरा मैथ्स फ्री पढ़ाएंगे से ये था कि लोगों ने ये कहा कि तुम सब कुछ फ्री पढ़ा दोगे तो तुमसे पैसे कौन पढ़ने आएगा बट हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया हमने कहा फिर हम सरकारी नौकरी कर लेंगे बट पढ़ाएंगे तो ये मतलब वही है ना कि जब आपकी दिल में बातें सच्ची हैं ईमानदारी है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा तो वही वाली सीन है कि जैसे विराट कोहली है तो वो क्रिकेट से नहीं पैसा कमाता है वो ब्रांडिंग से पैसा कमाता है तो मुझे उस टाइम नहीं समझ में आता था बट अब आता है कि हमने जो काम किया वो ठीक किया कि हमने सब कुछ पढ़ाना शुरू किया रात के तीन तीन बजे मैं पढ़ाता था तो सुपर सिक्सटी बन गया वो वहाँ से कुछ पैसे आए पिताजी आए तुरंत ले गए वो जिससे उधार लिए थे वो ब्याज पे ब्याज ठोके जा रहा था अलग से परेशान करता था हमें लगा यार इतनी मुश्किल से कमाए वो भी लेगा तीन महीने ऐसे ही चला फिर हम जिस कोचिंग में पढ़ा रहे थे साढ़े छः सौ रुपये घंटे उसमें चार सौ बच्चे आए हमारे नाम पे तो हमने कहा कि भैया अब हमारा हज़ार रुपये घंटे कर दो उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे नहीं करेंगे अभी तो आपको आए हुए चार महीने हुए हैं फिर से ये सब करने लगे तो हमने कहा हम नहीं आएंगे सात तो कर दो हमारी भी जिद थी कि थोड़ा सा तो बढ़ाओ पचास तो बढ़ाओ पचास रुपये तो उन्होंने मना कर दिया हमने जाना बंद कर दिया हमने अपनी कोचिंग खोल ली और पिताजी को ये भी तो ये थोड़ा सा खराब लगा उनको लगा कि इतने डिसीजन इसने अभी तक ख़राब है किए हैं कहीं ये फिर, ये ना फिर नहीं। नहीं हो आ, मैंने कहा नहीं जाए मैंने कहा नहीं नहीं अब तो खोलते हैं कोचिंग खोली बहुत छोटे से रेंट पे कभी मेरा बिजनेस को लेकर के या पैसे को लेकर के ये रहा कि हम बच्चों को से कम फीस ले लें लेकिन मतलब वाओ पे ना खर्च करें बहुत कि हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है बहुत महंगी है ये वो हमने इस चीज़ पर नहीं करा छोटा सा ही खोल लिया पहला बैच स्टार्ट किया तो पाँच बच्चे आए कैपेसिटी हमारे पास डेढ़ बच्चों को बिठाने की थी तो हमने उसको ही तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया ठीक है तीन पार्ट में डिवाइड करके हम वहाँ पढ़ाने लगे हमें लगा कि अब कुछ पैसा भी आ गया यार तो अब तो हमें एक गाड़ी भी लेनी चाहिए तो फिर हमने एक इको स्पोर्ट बुक की और ऐसा ऐसा करते करते मार्च आ चुका था मार्च दो की बात है ठीक है तीन चार बैच हम खत्म कर चुके थे ये वाला बैच जो शुरू किया साढ़े चार सौ बच्चों को ही ख़त्म कर चुके थे फिर ये रहा कि यार अब नया बैच स्टार्ट करेंगे तो नया बैच अनाउंस किया अप्रैल में डेट रखी उसकी हमने और तब तक हमारे छः सात महीने में सब्सक्राइबर भी सात आठ लाख हो चुके थे आठ महीने में हो गए थे वन मिलियन सिर्फ गणित पढ़ा के और बहुत वीडियो नहीं डाली थी डेढ़ सौ एक वीडियो थी डेढ़ सौ पौने दो सौ उस टाइम पे जबकि लोग इतना यूट्यूब से नहीं पढ़ते थे इतना क्रेज नहीं था जितना अभी ये, है प्री है। हाँ हाँ मतलब क्योंकि ये चीज़ तो हमने स्टार्ट की फ्री पढ़ाना और पूरा कम्पलीट पढ़ाने की जो शुरुआत की वो हमने ही की थी नेशनल जोग्राफिक ने भी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें हमें लिया था तो ये चीज़ दिखाई थी कि हमने फ्री पढ़ा के कैसे अपने जीवन को बदला तो अब ऑफलाइन में तो एक कॉस्टिंग भी बाकी लोग तो दस टेन थाउजेंड भी ले रहे थे बट अपना ये था मेरा जैसे कि कोई बच्चा मेरे पास आ गया कि मैं फीस नहीं दे पाऊंगा तो मैंने आज तक अपने जीवन में उसको ना नहीं किया किसी बच्चे ने कहा कि मैं दो हजार दे पाऊँ मैंने मतलब बच्चों से इस चीज पर डिस्कशन नहीं करा क्योंकि मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आया तब भी और आज भी नहीं आया मैंने पैसा कमाया सारी चीज़ें किए बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं जैसे आज कोचिंग के जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं आप उनके यहाँ जवाब पूछोगे फ़ीस वो ऐसे बोलेंगे फ़ीस सर कम करानी नहीं नहीं ये मैनेजमेंट से बात करो ये मैं नहीं देखता तो मुझे ये चीज़ बड़ी पहले से ही खराब लगती थी दुख लगता था यार तुम क्यों नहीं देखते तुम्हारी कोचिंग है तुम कोचिंग के मालने को बेवकूफ क्यों बना रहे हो मेरा ये था कि जो बच्चा मेरे पास आ गया जैसे कई बार तो ये भी होता था कि मैंने किसी बच्चे को पूछ लिया कि यार आप दो दिन से नहीं पढ़ने हैं उसने कहा कि जी पापा की जॉब छूट गई और वो ए टी एम पे गार्ड तो मैंने उसको पूछ लिया कि आपने फीस दी है यहाँ पे कि हाँ सर अभी मैंने तीन तीन हजार रुपये दिए बाकी बचे तो मैंने उसके वो तीन हजार भी रिफंड करा दिए मतलब मैंने लोगों की दुआएं भी कमाई सर दूसरी चीज का पैसा भी मेरे पास आया अगर हम वो तो सीधा सीधा फंड है ना आप किसी चीज के पीछे भागो तो वो आपसे और दूर भागेगी आप मत भागो उसके पीछे वो आपके पीछे खुद भाग के आएगी तो वो मेरे साथ भी था कि बच्चों को हेल्प जिसने जो कह दिया जैसे अब होता क्या है ना कि हम कम फीस रखते हैं ये मैं इसको सोल्यूशन नहीं मानता इससे अच्छा तो हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएं सब कुछ और पढ़ा ही रहते अब किसी बच्चे को है कि नहीं उसको तो सामने से आके मुखर्जी नगर में ही पढ़ना है बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उस मेटर के उनको फ्री नहीं पढ़ना है तो हमने क्या कि उनसे फीस चार्ज कर ली अब उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फ्री भी पढ़ना है और सामने पे आकर भी पढ़ना है तो वो फीस उनके लिए भी तो लग रही है ना उनको पढ़ाने में भी एक कॉस्टिंग लग रही है बिठा रहे हैं सब है तो मेरा ये था कि हम एक फ़ीस रखें एक फीस का पैरामीटर हो जिसकी जिसको मदद चाहिए उसको मिल जाए जिसको पैसे भी चाहिए उसको भी पैसे मिल जाए ये मुझे सही तरीका लगता था जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमने बहुत सस्ती फीस कर दी सबके लिए हमने बहुत सस्ता कर दिया हमने ऐप लॉन्च कर दी तो मैं ये मानता हूँ कि सस्ता करने से भारत में रिवोल्यूशन नहीं आएगा आपको अगर सच में रिवोल्यूशन लाना है तो सस्ता फीस या ऐप लॉन्च करने से नहीं वो यूट्यूब पे ही पढ़ाने से आएगा और आप यूट्यूब पे पढ़ाइए रिवोल्यूशन तो वहीं से आ सकता है बाकी आपको रोटी पानी खर्चा चलाना है तो उसके लिए ऐप जरूरी है तो वहां से फिर हमने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते रहे ऑफलाइन क्लास में ऑलमोस्ट मैंने मतलब सवा लाख डेढ़ लाख के आसपास स्टूडेंट पढ़ाए होंगे फिर हमारे अट्ठाईस अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी हो गई थी तो मैं यहीं से पढ़ाता था लाइव चलता था वहाँ पे सेमिनार करने लगे थे तो ये सब चल रहा था इसी बीच क्या हुआ कि मैं ने अन अकेडमी ज्वाइन किया इतना अच्छा कुछ कर रहा था मैं जैसे कई बार लोगों को बोलता हूँ लाइफ में कि ना बहुत बार ना करना भी बहुत फ़ायदेमंद देता है जो मेरे साथ हुआ जैसे कि अन अकेडमी जस्ट शुरू हुई थी बिल्कुल दस दस बारह लोग तेरह लोग काम करते थे तो आई जॉइंड अन अकेडमी एट द फोर्टी थाउजेंड पर मंथ डेट टाइम वन आई वॉज अर्नी ट्वेंटी फाइव थर्टी पर डे तो मैंने ज्वाइन कर लिया मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं ऑनलाइन है जबकि मेरा अपना भी चैनल था वन मिलियन सब्सक्राइबर थे मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार ऑनलाइन एजुकेशन क्योंकि ऑफलाइन से सब कुछ ठीक चल ही रहा चली था तो मेरा ये नहीं था कभी कि मुझे कोई ऐप बनानी है या, या खुद, का हाँ, है। मतलब खुद का करना है ऐसे कोई कोर्स बेचना क्योंकि मुझे ऑनलाइन में यही लग रहा था कि ऑनलाइन में उतनी कॉस्टिंग आ नहीं रही है तो इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं उनके साथ जुड़ गया उनके साथ भी एक बहुत लंबा सफर रहा पाने साढ़े पाँच साल का और बहुत अच्छा सफर रहा मतलब कोई शिकायत नहीं इतना मज़ा भी आया उन्होंने भी उनसे उन वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि अपडेशन भी कितनी बड़ी चीज़ है वो लोग लगातार टैग को लेकर के हर चीज़ को लेकर के अपडेट करते गए तो मैं ऑनलाइन फ्री भी पढ़ाता रहा मैंने चार बार ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म किया यूट्यूब पर बच्चों को देता है कि यार लाइव पढ़ाए टीचर तो बार बार लाइव आके पढ़ाया मैंने और भी जितनी चीज़ें कर सकता था और अभी जब से मैंने तीन महीने पहले से अपना ब्रांड स्टार्ट किया बिना हमें ऐप लेके आई क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज थी जो यूट्यूब पे नहीं हो सकती थी तो वहां भी हमने एजुकेशन को इसी तरीके से किया कि हमें एजुकेशन को बिजनेस दिखाना नहीं है वो बिजनेस है या नहीं है मैं इस पर सोचता भी नहीं हूँ मतलब मुझे ये था कि यार एजुकेशन में एक तो डिस्काउंट नहीं होना चाहिए जैसे हम कह देते हैं एजुकेशन में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए मतलब जैसे क्यों ऐसे अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे अब मान लेते हैं मैंने इस बार दिवाली पे कहा कि दिवाली पे डिस्काउंट है और आपको पचास परसेंट ऑफ है सारे कोर्सेस मिलेंगे अब क्या होगा जो बच्चे अगले साल दिवाली पे लेंगे दिवाली से पहले मान लेते हैं उनको जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करना है तो वो वेट करेंगे दिवाली का कि दिवाली का सर के ऐप पर डिस्काउंट आएगा तब लेंगे कोर्स या कोई त्यौहार आएगा तो।, तो मतलब उससे तो पढ़ाई रुक रही है ना उसकी और दूसरा ये है कि उसको नहीं भी लेना है तो कई बार क्या होता है कि अब जीन्स तो मैंने ले ली एक बार डिस्काउंट था लेकिन मैं पहन के काम चला लूँगा वो अलग चीज़ है लेकिन एजुकेशन में कई बार हम मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रेशर दे रहे हैं कि कोर्स ले लो आज ही आ जाए उन्नीस सौ निन्यानवे तक कल नहीं मिलेगा मेरा ये है कि हमने एक फ़ीस रख दी अब अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो हम उसको फ्री भी देंगे किसी के पेरेंट्स नहीं है तो फ्री देंगे हैंडी है तो फ्री देंगे या उसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है अंतोदय कार्ड बना हुआ है तो उसको फ्री देंगे या कोई और उसकी मजबूरी है फ्री नहीं देंगे कोई बच्चा कह रहा है कि जी मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे एक कोर्स मिले तो हम ऐसा नहीं करते कि जो कोई वंचित रह जाएगा हमने ज्यादा फीस रख दी तो मैं अपनी कंपनी मैं नहीं पूछता यार कितने की सेल हुई नहीं हुई क्या हुआ क्या, क्या रेवेन्यू है क्या नहीं मैं इन सब चीजों से मेरे को नहीं मतलब है मैंने जैसे बताया कि मैं यूट्यूब क्यों नहीं रखता फोन में इसीलिए ना कि मैं यही चेक करूँ क्या मेरी जिंदगी इसीलिए बनी मैंने वीडियो डाली है कितने लाइक आए नहीं मैंने जैसा अच्छा काम किया होगा उतने लोगों ने पसंद कर दिया होगा मैं अपनी वीडियो में क्या देता हूँ कि आप अभी लाइक मत करो जब आपको लास्ट में लगे कि अच्छा पढ़ाया है सब कुछ तो लाइक कर देना ठीक है लेकिन अब मैं उस चीज़ के लिए उनको फोर्स करूँ कि यार ऐसा है फिर मैं वो चेक करूँ कि कितने व्यू हुए हैं नहीं हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये एक गंदी सी चीज है जिसमें फस्ता चला जाऊंगा कभी ऐसा होगा कि नहीं आएंगे उतने व्यू नहीं आएंगे उतने लाइक तो मेरा टारगेट ही रहता है कि मेरे वीडियो पे हजार व्यू आ रहे हैं मेरे लिए बहुत सफिशियंट है हजार बच्चे कम नहीं होते क्योंकि मैं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं वायरल होने के लिए कर रहा हूँ और क्योंकि वायरल होने से कुछ होने वाला भी नहीं है वायरल तो दीपक कलाल भी है उससे क्या होगा आप फेमस किस चीज़ के लिए हो ये मायने रखता है अब राखी सावंत ने बहुत नाम कमाया और एक्ट्रेस से उनको काम तो नहीं दे रहा कोई True. तो सारा काम यह कि खाली वायरल होने से बात नहीं बनेगी आप किस चीज के लिए जाने जाते हो आप अपने काम के लिए कितना फेमस हो जो आपका काम है तभी तो लोग आपको काम देंगे ना आप कोई मैं कहूँ आज जाके किसी के घर यार मैं आपको हंसाना चाहता हूँ आप पैसे दे दो तो, कोई भी नहीं देगा मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ आप पैसे दे दो भारत में आपको पैसा मिल सकता है तो ट्यूशन पढ़ाने का मिल सकता है तो वही काम करना पड़ेगा तो मैंने उस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाने पर भी फोकस नहीं किया भले मैंने दो साल काम नहीं किया कोविड में बिल्कुल भी वीडियो वीडियो नहीं डाले बट ये रहा कि जो भी काम करें तो उसकी एक वर्थ हो अगर कोई चैनल पे वीडियो भी जा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो जैसे आज अगर प्रमोशन से भी पैसा लेते हैं तो मेरा ये रहता है कि यार मैं प्रमोशन भी करूँगा किसी का तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा भी साथ में बच्चों को ये नहीं है कि वो सिर्फ एक प्रमोशनल डेडिकेटेड वीडियो जा रहा है भले उसका ठीक है थोड़ा कम पैसा मिलेगा और एक मेरा फोकस ये रहता है कि मैं जो यूट्यूब से पैसा आए और जो प्रमोशन से आए उसको अपने गांव के कुछ बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं बट मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं बहुत चैरिटी करता हूं लोगों को कि किसी भी तरीके से पूरे कोविड में मैंने मतलब नए नोट बांटे हैं इतना लोगों को कि यार सबका घर चलता रहे सबकी रोटी चलती रहे ये सब कुछ मैंने किया बस मेरे साथ क्या है कि मैं दिखा नहीं पाता और आज भारत का यह हाल हो गया है कि आप जो दिखाओगे आज देश में राहुल गांधी नहीं चलेगा जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के चला है आज मोदी जी की जयकार होगी क्योंकि वो बताना जानते हैं हर चीज़ को आज ये बहुत जरूरी है तो उस चीज़ में मैं मानता हूँ मैं थोड़ा पीछे रह गया कि मैं दिखा नहीं पाया कि मैं क्या अच्छा करता हूँ या क्या करता बट मुझे लगता है कि ऊपर वाला देख रहा है